गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज है 25 जून 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, गुजरात सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की हुई है। ठीक है, ओके चलते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में, किसान सूर्योदय योजना गुजरात में चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये भी गुजरात में। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान कहाँ चल रहा है, ये भी गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सरमेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, तो ये भी गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कहाँ शुरू हुई है, तो ये भी गुजरात के अंदर शुरू हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं। तो इसमें प्रकाश सिंह हैं, जमशेद जी, नसरवान जी टाटा, यही हैं। कौन है, तो 20वीं सदी के दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्ति जमशेद जी, नसरवान जी टाटा जी बने हैं। ठीक है, तो ये इनका है फाइल फ़ोटो। ठीक है, यही हैं टाटा जी। ये दुनिया के 20वीं सदी के सबसे बड़े मतलब दाता बने हैं। ठीक है, कौन है, दुनिया के सबसे बड़े ये बने हैं परोपकारी व्यक्ति। इन्होंने $102.4 बिलियन दान किए थे। ठीक है, $102.4 बिलियन दान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है। तो ये है मिल्खा सिंह के नाम पर, चेतन भगत के नाम पर, चेतन चौहान के नाम पर या चंद्र तोमर के नाम पर। तो ये चंद्र तोमर के नाम पर, जो नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम बदलकर चंद्र तोमर के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये नोएडा में है। ठीक है, तो ये हैं चंद्र तोमर, ये शूटिंग करने वाली एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आधिकारिक ओलंपिक संघ लक्ष्य 13 सामने है जारी किया गया है। तो किस देश में आधिकारिक ओलंपिक संघ लक्ष्य 13 सामने है जारी किया गया है, तो ये अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये भारत के द्वारा जारी किया गया है और इसे गाया किसने है, तो इसे मोहित चौहान ने गाया है। इसे मोहित चौहान ने गाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये भारत ने लगाया है, चीन ने लगाया है, अमेरिका ने लगाया है या रूस ने, तो ये अमेरिका ने लगाया है। किसने, अमेरिका ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ये अमेरिका जो है ये सब सामान चीन से लिया करता था, अब इसने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि दो दिन पहले ही ब्रिटेन ने दो पक्षीय समझौते पर ये अपना हस्ताक्षर किए थे। इसी के उपलक्ष्य में अमेरिका ने चीन से ये सोलर पैनल सामग्री लेने का, आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो ये होते हैं कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास, ओके ये यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, आलोक रंजन झा को, बी श्याम को, विष्णु कुमार शर्मा को या अशोक कुमार। तो अशोक कुमार को जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में, तो वी श्याम को आइसलैंड गणराज्य में किया गया है, विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिण सूडान में, आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें स्पेन है, फ्रांस है, गिनी है या डेनमार्क। तो डेनमार्क देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसने किए हैं? तो ये किए हैं डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगर। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो डेनिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है या प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैक फेडरिकसन। ठीक है, मैक फेडरिकसन यहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो इसमें SBI बैंक है, कैनरा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है या HDFC। तो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है। जो भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उसे उन्हें डायरेक्ट ही उनके नंबर से पैसा भेज सकते हैं बैंक में। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD एंड CEO कौन है? तो उदय कोटक इसके MD एंड CEO हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? तो इसमें हमारा हो जाएगा असम, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसमें हमारा उड़ीसा सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा सही हो जाएगा। उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? मिशन 0F यहाँ पर शुरू हुआ है, स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी उड़ीसा में चल रही है, गरिमा नामक नई योजना कहाँ शुरू हुई है ये भी उड़ीसा में, सतकोसिया राजा टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, एक खारे पानी की झील महत्वपूर्ण झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक, चलते हैं देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है ये पेपर के माध्यम से, भितरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार ICC वनडे टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो ये भारत ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बांग्लादेश ने। तो ये न्यूजीलैंड ने जीती है पहली बार ICC वनडे टेस्ट चैंपियन किसने जीती है? तो ये न्यूजीलैंड ने जीती है। किसको हराकर जीती है? तो ये हराकर जीती है भारत को। ठीक है, भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने ICC वनडे टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का फैसला लिया है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो ये राजस्थान सरकार ने किया है, एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन राजस्थान सरकार ने किया है। ठीक है, राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना कहाँ शुरू की गई? ये भी राजस्थान में शुरू की गई है। BSF ने ऑपरेशन सरधाबा कहाँ चल रही है? तो ये भी राजस्थान में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के सरिस्का, रेगिस्तान, केवला देवी, घाना, रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति विग्नो एक्विनो का निधन हो गया है? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे विग्नो एक्विनो, इनका निधन हो गया है? तो ये फिलीपींस के रहने वाले थे। ठीक है, फिलीपींस देश के रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति विग्नो एक्विनो, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये इनका फाइल फोटो विग्नो एक्विनो का। ठीक है, ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, COVID-19 के कारण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में कौन है राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ की रिपोर्ट प्रकाशित की है? ठीक है, तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। ठीक है, फिनलैंड रहा है और सेकेंड स्थान पर भारत है और थर्ड स्थान पर अमेरिका। ओके, तो इसमें कौन फर्स्ट पर है? तो फर्स्ट स्थान पर रहा है, फर्स्ट स्थान पर मतलब 65% है, 65% पर, तो फिनलैंड का 65% रहा है, भारत का इसमें 38% और अमेरिका का इसमें 29% विश्वास रहा है। मतलब इसमें देखना यह था कि जो भी न्यूज़ चलती हैं, वो मोबाइल पे आप न्यूज़ देखते हैं, वो कितनी सत्यता है उनके अंदर, इसमें ये देखा जाता है कि मोबाइल पे जो न्यूज़ आ रही है वो कितनी सत्य है कितनी झूठी, इसमें ये देखा गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिनलैंड में सत्यता होती है, फिर दूसरे स्थान पर भारत में 38% और अमेरिका में 29% सत्यता होती है न्यूज़ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साओ जो आओ उत्सव हर साल 24 जून को कहाँ मनाया जाता है?
तो ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? साओ जो आओ उत्सव जो है हर साल 24 जून को गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, गोवा में मनाया जाता है। चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। गोवा की राजधानी पणजी है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम। ठीक है, मोलेम यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है। पृथ्वी की कक्षा में अपना पहला उपग्रह MIR SAT-1 तैनात किया है किसने? तो ये मॉरिशस ने तैनात किया है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में अपना उपग्रह MIR SAT-1 तैनात किया किसने? तो ये मॉरिशस ने तैनात किया है। किसकी मदद से किया है? तो ये मदद किया है जाक्सा की, जाक्सा ने इसकी मदद इनकी मदद की है जाक्सा। ठीक है, जाक्सा ने इनकी मदद की है। ओके, रूस की ये कंपनी है जाक्सा। ठीक है, इसने इनकी मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन मैकएफी 75 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, यह किस देश की जेल में मृत पाए गए? तो ये स्पेन की जेल में मृत पाए गए। ठीक है, ये स्पेन की जेल में मृत पाए गए हैं। कौन है? जॉन मैकएफी 75 साल की उम्र में स्पेन की जेल में ये मृत पाए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था देख लेते हैं। ब्रिटिश अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, वह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जॉन मैकएफी के निर्माता थे। ठीक है, ये कंप्यूटर वायरस के निर्माता थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। यदि भी कमशन क्लासेस में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहता है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।